तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप 2023 अब स्टार्ट होने वाला है और इसके फॉर्मेट के बारे में आइए जानते हैं। जो फॉर्मेट है वो सेम है जो 2019 में वर्ल्ड कप का फॉर्मेट था, बिल्कुल वही है। टोटल 10 टीम्स है, ये 10 टीम्स है सब कॉन्टिनेंट टीम्स, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और चार सेना कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और 10वीं टीम है यहाँ पर नीदरलैंड्स। तो ये जो 10 टीम्स हैं, हर टीम बाकी बची हुई टीम के साथ खेलेगी, यानी हर टीम के टोटल 9 मैचेस हो गए। तो हर टीम बची हुई 9 टीम्स के साथ खेलेगी और उसके बाद जो पॉइंट्स टेबल बनेगा तो टॉप 4 टीम्स वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो अगर ये पॉइंट्स टेबल में कोई 2 टीमें सेम पॉइंट्स पे फिनिश करती है तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया होगा कि किस टीम ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं, और अगर सेम मैचेस जीते हैं, इक्वल मैचेस जीते हैं, तो फिर नेट रन रेट के बेसिस पे उनके पोजीशन डिसाइड होगी। तो जो टॉप 4 टीमें रहेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और जो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 टीम होगी उसका नंबर 4 टीम से मुकाबला होगा इन द फर्स्ट सेमीफाइनल, और नंबर 2 टीम का नंबर 3 टीम से मुकाबला होगा इन द सेकंड सेमीफाइनल, और फिर जो दोनों सेमीफाइनल्स में जीतेगी तो वो फाइनल में भिड़ेगी। तो इस फॉर्मेट में जो राउंड रॉबिन मैचेस होंगे सेमीफाइनल से पहले, तो जो 9 मैचेस खेले जाएंगे उसमें से अगर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो 7 मैचेस जो टीम जीत लेगी तो उसकी जगह सेमीफाइनल में लगभग पक्की हो जाएगी, वो पक्का पहुंच जाएगी। सो ए टीम हैज टू विन 7 out of 9 मैचेस, और अगर कोई उससे कम जीतती है, 6 मैचेस जीतती है तो भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, पर तब हो सकता है कि कुछ और टीम्स भी कंपटीशन में हो तो नेट रन रेट के बेसिस पे इस बात का फैसला हो। सो फ्रेंड्स, ये है वर्ल्ड कप 2023 का फॉर्मेट।